हाय आई एम डॉक्टर पी के तलवार कॉस्मेटिक सर्जन न्यू डेली एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन थर्टी इयर्स नाउ प्रीवियसली आई वाज अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर कैलाश पार्ट वन न्यू डेली हमारे पास लाइफो सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती हैं और उनमें से जो एक महिला थी उन्होंने ये पूछा कि भाई आप एक बार में कितनी फैट निकाली जा सकती है कि, या कितनी फैट निकालनी चाहिए तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है क्योंकि हर चीज़ के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और अगर आप उस सी, एक सीमा होती है जिसमें कि आप सुरक्षित हैं उससे ज़्यादा अगर सर्जरी कर दी जाए या उस उस सीमा को क्रॉस किया जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का डर बढ़ भी सकता है तो यूजुअली जो आ, आ, अब टेक्निक चूँकि बदल गई हैं पहले ड्राई टेक्निक थी फिर वेट टेक्निक ट्यूमर आ गई हैं अब दूसरी वेजर आ गई हैं अब सब सोनिक टेक्निक्स आ गई हैं तो टेक्निक्स तो जो हैं वो रिफाइंड होती जा रही हैं लेकिन जो अमेरिकन एसोसिएशन है ठीक है अल्टीमेटली तो अमेरिकन को ही अल्टीमेट माना जाता है तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है उनके जो यूजुअली रिकमेंडेशन ये होती है कि आपकी बॉडी वेट का फाइव परसेंट इससे ज़्यादा चर्बी नहीं निकालनी चाहिए मतलब अगर आपका वजन अस्सी किलो है तो रफली चार लीटर के करीब फ़ैट निकालनी चाहिए सौ किलो है तो मे बी पाँच लीटर के करीब निकालनी चाहिए बट देश से कि सेफ से सेफ़ लिमिट वही है तीन से पाँच लीटर तक की है तो अगर आप तीन से पाँच लीटर तक फ़ैट निकालते हैं तो बहुत ही सुरक्षित हैं आप इसमें किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और जो जैपनीज़ हैं देखिए इसमें ऐसा है कि एक एक कंडीशनर है मेगा लाइपो सेक्शन मेगा लाइपो सेक्शन में 10 लीटर या उससे ज्यादा भी लोगों ने फैट निकाली है मतलब आठ लीटर निकाली दस लीटर सोलह लीटर निकाल देते हैं फ़ैट उसको मेगा लाइपोसक्शन बोलते हैं तो आप जितना ज़्यादा फ़ैट निकालेंगे जापान में काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में भी कई लोगों ने किए हमने भी किए हैं ऐसा नहीं है लेकिन पेशेंट से हम लोग उसमें अगर इन करते हैं तो उनसे लिखवा लेते हैं रिस्क की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी हम तो लोगों ने ऐसी सर्जरी की है लेकिन जो मेगा लाइपोसेशन होता है जितना आप ज़्यादा फैट निकालेंगे तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का उतना असंतुलन होने की संभावना रहती है क्योंकि अगर हमने तीन से पाँच लीटर फैट निकाली तो बॉडी उसको बड़ी अच्छी तरह से कोप अप कर लेती है उसको कवर कर सकती है लेकिन ज़्यादा आपने निकाली तो कुछ थोड़ा बहुत असंतुलन हो सकता है हालांकि आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर्स हैं एनेस्थेटिस्ट फिजिशियंस ये लोग देखते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन ना हो अगर इससे ज़्यादा निकाला जाता है लेकिन आपने चूँकि ये पूछा है कि सुरक्षित कितना है तो सुरक्षित में ये कहूँगा कि पाँच लीटर तक जो है तीन से पाँच लीटर तक बहुत सुरक्षित है उतनी फैट आप निकलवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी तरह की और ऐसे केसेस में यूजली पेशेंट उसी दिन रात को भी घर जा सकता है लेकिन अगर आपने पाँच लीटर से ज़्यादा निकलवाई तो नेचुरली पेशेंट को एक दिन रखा जाता है कहीं आपका फ्लूड इनटेक ठीक है कि नहीं है यूरिन आउटपुट जो है वो ठीक है कि नहीं है आपको ब्लड प्रेशर ना फॉल हो जाए इलेक्ट्रोलाइटिंग कई चीजें होती हैं डॉक्टर जो है आपके जो कॉस्मेटिक सर्जन है वो खुद आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में लेकिन पेशेंट जो हैं कई बार वो इंसिस करते हैं कि नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी वो किसी आई ऑफिसर की वाइफ थी और उन्होंने मुझे बताया व्यक्तिगत तौर पे कि भाई उनके हस्बैंड पसंद नहीं करते इतनी फैट है और शायद उनका तलाक भी हो जाए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार में निकाल दीजिए जितने चर्बी निकाल सकते हैं मैंने कहा है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी है और मैं हालांकि मैं क्न नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे इनसे किया कि एक ही बार में निकाल लीजिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ तो हमने फोटीज़ में उसका कहते आई थी हमने उसके सिक्सटी लीटर फैट निकाली थी ले, लेकिन हमें हमेशा डर मुझे डर लगा रहा अंदर से कि भाई कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक एम्बुलेंस या कुछ ना हो लेकिन लकीली वो वहीं नहीं हमारे पास नहीं दो दिन हॉस्पिटल में रहीं और खुश थी और वहीं से फ्लाइट लेके वापस अपने पेरेंट स्टेट चली गई थी तो ये कभी कभी होता है कि डॉक्टर भी जो है आपके भावनाओं से जुड़ जाते हैं कि भाई आपकी कोई पर्सनल समस्या है जिसमें ज़्यादा निकालनी है। और एक ही बार में निकालनी है पैसा नहीं है या जो जो मैंने बताया कि डिवोर्स की समस्या ये अलग चीज़ है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आइडियल जो मेरा आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि तीन से पाँच लीटर ही चर्बी निकालनी चाहिए वही आपके लिए सुरक्षित है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट जो आपके साथ क्लियर सक, कर सका हूं, कर सका हूँ आपके साथ शेयर कर सका हूँ और इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई शंका है तो आप हमें संपर्क करने में हमारी टीम से संपर्क करने में बिल्कुल भी आ, संकोच न करें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच